माशाल्लाह सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, हम लद्दाख, फाइनली लद्दाख। अब लद्दाख दूर नहीं रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पल्सर से लद्दाख पहुंचने वाला हूँ। क्या बात है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आगे सैम भाई, पीछे हर्षित भाई और आपका भाई जावेद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जावेद व्लॉग्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो अब जो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो है लेह लद्दाख की, क्योंकि इस टाइम मैं कारगिल वार मेमोरियल के पास ही वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, पीछे का बैकग्राउंड कुछ अलग ही लग रहा है, तो मैं कहा यार वीडियो यहीं पर शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जो आगे की वीडियो आपको दिखने वाली है, मतलब व्यू जो हम सपना देख रहे थे सऊदी में रह करके, घर पे रह करके, भाई कभी हम पल्सर ले करके इतनी लंबी दूरी तय करके हम लद्दाख पहुंचेंगे और वहाँ जो एरिया है उसको घूमेंगे, चाहे वो खारदुंगला हो, चाहे वो, मतलब कि मुझे नाम याद नहीं है, सारे नाम का परमिट हमने ले लिया है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक बात और बोल दूँ, न्यूज़ वाली वीडियो नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। मुझे पता है कि आप लोगों को न्यूज़ की अपडेट चाहिए, बट क्या करें भाई, ये भी सपना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अब सीधा गोपरों में मिलते हैं रोड पर। ठीक है, तो कारगिल वार मेमोरियल को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं अब आगे लद्दाख के लिए। हमारे दोनों दोस्त आगे निकल गए हैं, सैम भाई और हर्षित भाई, तो कोई बात नहीं है, चलिए बिस्मिल्लाह आज लद्दाख पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह आराम से पहुंच जाए भाई, तू साथ दे दियो, तेरा नाम तो मुझे पता ही नहीं है, हमारे दोस्तों ने कोई नाम ही नहीं बताया, क्या नाम रखे इसका। स्कूल के कुछ बच्चे थे, ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। माशाल्लाह सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, हम लद्दाख, फाइनली लद्दाख। अब लद्दाख दूर नहीं रहा, मतलब कि हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं लद्दाख के। अच्छा, ये स्कूल खुला हुआ है। आज की जर्नी लद्दाख की, अब मुझे पता नहीं कितना किलोमीटर है यहाँ से, बट इतना मालूम है कि यहाँ से 60 किलोमीटर कारगिल है और कारगिल से 220 किलोमीटर लद्दाख है। तो चलते हैं आज और लद्दाख की असली जर्नी को एंजॉय करते हैं। जो लोग रेगुलर ये वीडियोस बनाते हैं व्लॉगिंग की, उनको पता होता है एडिटिंग का। हेलो, बच्चे लोग हाथ बाय बाय कर रहे, इधर से हाथ मिला रहे थे। सामने का नज़ारा, व्यू कितना बढ़िया है, और क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पल्सर से लद्दाख पहुंचने वाला हूँ। क्या बात है, घर से निकले हुए कितने दिन हो गए, कितनी तारीख को निकला था मुझे याद ही नहीं है, पता नहीं कब निकला था, एक हफ्ते से तो ज़्यादा हो गया शायद। एक होता है कि हम लगातार नॉन स्टॉप चलाते हुए जाते हैं, अच्छा ले 279 किलोमीटर। एक होता है कि लगातार हम बाइक चला रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम रास्ते में रुक रहे हैं, वीडियो पे भी काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस भी लाइव होना बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली की गाड़ी दिखी यहाँ पर, हैरियर, टाटा हैरियर, क्या बात है। भाई जाने दे, दिल्ली वाले होके दिल्ली वाले को पिकअप दे रहा है, देख रहे हो, जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आगे सैम भाई, पीछे हर्षित भाई और आपका भाई जावेद। माशाल्लाह, मैंने पूछा दुकान वाले से कि भाई आप आगे रोड कैसा है, बोलते भाई जाओ शीशे की तरह एकदम रोड। अच्छा जी, क्या नज़ारा है, वीडियोस में देखने में और असली में देखने में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है।
क्या पत्थर है बॉस, साइड साइड से, और आगे का जो टर्न है ना, ऐसा टर्न एकदम खतरनाक वाला है। अगर किसी ने सही से ब्रेक नहीं मारा तो वो सीधा नीचे, देखो यहाँ से टूटा हुआ है, कोई गया है नीचे। बहुत ही आराम से ध्यान से गाड़ी चलाना है इस जगह पे, और भी एकदम प्यार से, अचानक से ब्रेक मारेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। इधर धूप नहीं है, उधर उस पहाड़ पे धूप है, यही सब तो है जो पहाड़ों में दिखता है असली, और हमारे यहाँ दिखता है नकली। क्या बताऊँ आपको, इतना फ्रेश हवा फील हो रहा है यहाँ पे, बट हाँ पेड़ यहाँ पे नहीं है, हल्के हल्के पेड़ है, ग्रीनी ग्रीनी बस। आप लोग बोल रहे हो कि ज्यादातर आपको मजा आ रहा है क्या राइड करने में, मैं देखो बिहार दरभंगा से चला, दरभंगा से गाड़ी लेकर आया, और आज लद्दाख के रास्ते में हूँ, बहुत 200 किलोमीटर दूर हूँ। तो आप भी फील कर सकते हो कि मुझे क्या फील हो रहा होगा, मतलब कि भाई इतनी दूर से बाइक चला के आने के बाद अब आपको अच्छा ना लगे, हो ही नहीं सकता। अपनी बाइक भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, गड्ढे में गिरी गाड़ी, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि भाई स्पीड में थी गाड़ी, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया था। तो कारगिल बचा है 30 किलोमीटर, और रास्ते देखिए इतना ज़बरदस्त रास्ता है, एकदम प्लेन रोड, मतलब कि शीशे की माफिक एकदम साफ। तभी सैम भाई आगे चल रहे हैं और मैं बीच में, पीछे हर्षित भाई चल रहे हैं। तो भाई चलाओ गाड़ी अब मज़े से, कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से। सबसे अच्छा व्यू हमारे साथ साथ में ये नदी देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा, और अपने सामने आप पहाड़ देख ही सकते हो भाई, गजब गजब का व्यू है, गजब का एक्सपीरियंस। इस इलाके में बाइक चलाने का अपना एक अलग ही अंदाज है। ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, ये पीछे लिखा हुआ था खारबो 3 किलोमीटर, और देखो ट्रक कितना फास्ट आया भाई साहब, देख रहे हो, धीरे 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 ऐसा लग रहा है कि खतरनाक जोन में आ रहे हैं। पत्थर पहाड़ देख करके अलग ही व्यू आ रहा है। खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, इतना बढ़िया रोड बना हुआ है, और ये सारे नज़ारे अगर आपको दिख जाए तो कितना अच्छा आपका दिल करेगा, क्या बताएं, बहुत बढ़िया। हमारे हर्षित भाई शॉट लेते हुए बाइक का, ज़बरदस्त था, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात पता क्या है, जिनको बाइक चलाने का शौक है वो शौक यहाँ पे आप आराम से पूरा कर सकते हो, बट रिस्क है, आराम आराम से। देखो हम लोग इतना लीन करके बाइक चला रहे हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्या बताओ, 50-60-70 की स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, आराम से गाड़ी बढ़िया चल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ की ये जो आप धूप नहीं है यहाँ पर, तो मुहर्रम का टाइम है, जितना भी इलाका है बहुत सारे जगहों पर या हुसैन या अली लिखा हुआ है भाई। क्या टर्निंग आई है, जबरदस्त, ओहो खतरनाक, स्टॉप लुक गो, रुकिए देखिए जाइए। तो कारगिल 5 किलोमीटर बचा है और लेह 235 किलोमीटर, तो वेलकम टू कारगिल। ओ भाई ट्रक वाला देखो, कारगिल में पेट्रोल ले लेते हैं, ₹108 लीटर पेट्रोल यहाँ पे। तो पेट्रोल पंप पे हमने तेल लिया, गाड़ी में तेल आया 650 का, ₹108 लीटर था कारगिल में। और अभी भी हम कारगिल के अंदर ही हैं, मार्केट के अंदर से, सिटी के अंदर से निकलते हुए जा रहे हैं, और थोड़ा रास्ता टाइट है। 6:04 हो चुका है शाम का, और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर की जर्नी अभी भी है लद्दाख की, तो आज रात में किसी भी हाल में पहुंच जाएंगे। और इधर शाम का व्यू का नज़ारा, ओहो तो भाई सामने का पहाड़ देख रहे हो, अलग ही तरह का पहाड़ दिख रहा है, डिज़ाइन देखो कितना ज़बरदस्त है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।
क्या बताऊं, अभी हम लोग पीछे पहाड़ में थे तो एकदम से अंधेरा था, वहाँ की शाम हो चुका है, रात होने वाली है, बट जैसे ही हम वहाँ से निकले तो मालूम पड़ा कि इधर उजाला ही उजाला है। लेकिन ये जो व्यू देख रहा है ना, हम मैंने कहा यार लाओ इसको शूट कर ही लेते हैं। तो चलो वीडियो तो लंबी होने वाली है क्योंकि लद्दाख सीरीज है बॉस, 20-25 मिनट की तो वीडियो हो ही जाएगी। अभी भी 180 किलोमीटर से भी ज़्यादा बचा हुआ है, गाड़ी भी 50-60 की स्पीड से ही चल रही है क्योंकि पता है आपको पहाड़ों में ज़्यादा हाइट पे गाड़ी ज़्यादा फास्ट नहीं चलती, 50-60 की स्पीड ही चलती है। हाँ नीचे अगर जब नीचे जाते हैं तो फिर 70-80 पे चल जाता है। तीनों भाई की गाड़ी एक साथ एक जैसी चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पे खाया शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा, ठीक है। तो दीदी ने अच्छे से खाना वाना खिला दिया, अब निकलते हैं यहाँ से, रात भी हो गया है क्योंकि टाइम भाई 7:45 हो चुका है। बाकी हमने सारा कुछ पहन लिया ताकि रास्ते में बारिश वगैरह हो तो हमें रुकना ना पड़े। चलो भाई, तो खाना हमने नहीं खाया था दोपहर में, तो अभी खाना खा लिए, दाल और रोटी, क्योंकि चावल खाएंगे तो ठंड लगेगा इस वजह से। तो भाई हम लोग यहाँ रुके हैं द इनविजिबल विलेज, यहाँ पे हम थोड़ा डांस करेंगे अभी। ये हमारे सैम भाई, चलो भाई मजा आ गया। ओ भाई हम लोगों ने मस्त डांस किया जियाउल इनविजिबल विलेज के पास में, तो इंस्टाग्राम पर रील्स आपको मिलेगी और कसम से मजा आ गया। तो भाई हमारा फिर से यहाँ पर पूरा सारा डिटेल्स पूछा गया है कोविड के बारे में। तो पीछे कालसी में दोबारा से रोका गया हमें, हमारा सारा डिटेल्स पूछा गया, पापा का नाम, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर एक चीज। इसके साथ साथ जो PCR टेस्ट करा करके मैं आया हूँ वो भी देखा इन लोगों ने। इसके बाद दोबारा से सारा वो पर्ची बना करके दिया छोटा सा, उसके बाद फिर दोबारा से पुलिस चेक पोस्ट आया आगे कालसी का, तो वहाँ पर फिर हमें आगे एंट्री मिली है। तो रात के 12:30 बज चुके हैं और लेह 15 किलोमीटर बचा है, तो हमने गाड़ी अच्छा कवर किया चलाने में, रास्ते में रुके भी, चाय नाश्ता भी किए, बट गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आराम से रात के ठंडे ठंडे हवाओं के साथ हम पहुंच गए लेह, बस 15 किलोमीटर दूर है लेह से, इंशाल्लाह वहीं पहुंच जाएंगे। और खुशी खुशी तो भाई बहुत है। तो वेलकम टू लेह, माशाल्लाह तिरंगा अपना लहराता हुआ सामने, क्या बात है, पहुंच गए फाइनली। बस 1-2 किलोमीटर और है, लेह पहुंच गए हैं हम और बस होटल लेने वाले हैं। सैम भाई लोकेशन ट्रैक करते हुए पहुंच गए हैं।